नरेंद्र मोदी आगे आएंगे। ओनली मोदी। आप क्या कहते हैं? अहमदाबाद में कितने साल से दंगे नहीं हुए है? अहमदाबाद की प्रजा जो है वो कितनी अभी हैप्पी है? मोदी के आने के बाद सभी सारे दंगे बंद हो गए। तभी आता है चिमन भाई पटेल, देखो माधव सिंह सोलंकी, देखो सबके राज में मैंने कर्फ्यू देखा है और ना हमने देखा है वो कर्फ्यू में कैसे। 25 साल पहले का इधर का नजारा देखो, नदी के किनारे कोई जा नहीं सकता था, आज 25 साल के बाद देखो इधर कितनी पब्लिक है, कितना इधर डेवलपमेंट किया है, यही आपके सामने इतनी पब्लिक, इतना डेवलपमेंट। में रात को 2 बजे लड़कियाँ अकेली घूम सकती है, आप देखो दिल्ली में अकेली घूम सकती है लड़कियाँ। क्या इंडिया वर्ल्ड के अंदर अभी चौथे नंबर आएगी? नरेंद्र मोदी आगे आएंगे। क्यों? सवाल यही है क्यों? जब शांति आई तो इनके आने के बाद आई है, दो बरस हो गए और कर्फ्यू, 2 बरस आए कर्फ्यू, इनके राज में सब कुछ हमको शांति से मिलता है। कर्फ्यू तो हमारे बच्चे सुनते हैं, कर्फ्यू तो हम बोलते हैं कि ये कर्फ्यू ऐसा था, तो ये बोलते हैं कि मम्मा हमने तो कभी ऐसा दिखाई नहीं। महिलाएं तो बार बार कहती है महंगाई बड़ी कर दी है इन्होंने। तो जो खाने की वस्तु लेनी पड़ती है, अच्छी खानी हो तो भाव देना पड़े, अच्छा खाना हो तो देना पड़े। कितने साल से दंगे नहीं हुए अहमदाबाद में? कितने साल से दंगे नहीं हुए है? अहमदाबाद की प्रजा जो है वो कितनी अभी हैप्पी है? मोदी के आने के बाद सभी सारे दंगे बंद हो गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है हमें भी तो मौका देके दे। आप 25 साल पहले का इधर का नजारा देखो, 25 साल पहले कांग्रेस का राज था ना, तभी आता है चिमन भाई पटेल, देखो माधव सिंह सोलंकी, देखो सबके राज में मैंने कर्फ्यू देखा है और ना हमने देखा है वो कर्फ्यू में कैसे। ओनली मोदी। आप क्या कहते हैं? 25 साल पहले का इधर का नजारा देखो, नदी के किनारे कोई जा नहीं सकता था, आज 25 साल के बाद देखो इधर कितनी पब्लिक है, कितना इधर डेवलपमेंट किया है, यही आपके सामने इतनी पब्लिक, इतना डेवलपमेंट। एक किसने सोचा ही नहीं था कि नदी के किनारे इतना बड़ा प्लान होगा, आज हम देख रहे हैं। इसके साथ हम मोदी के साथ गर्व है कि इसने इतना बड़ा प्लान, इतना माइंड में रख के इतना बड़ा प्लान बनाया। आज भारत नहीं पूरा देश इसके साथ है और अहमदाबाद तो पूरे पूरा बीजेपी है, कोई सवाल ही नहीं। आप वाले तो मूर्ख है, मुफ्त की रेवड़ी देख के गुजराती लोगों को नहीं पाल सकते, मुफ्त की रेवड़ी हम नहीं खाते, हम तो मेहनतू है बिजनेसमैन है यहाँ के, हम ऐसे नहीं है मुफ्त में चाहते हैं, हम मेहनत करके अपने खुद पैर पर खड़े के जानते हैं। इसलिए आप वाले को प्लीज मेहरबानी करके, गुजरात में उनका पैर आएगा ही नहीं, एक केजरीवाल उधर ही रहेगा, इधर उसका चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं। एक भी सीट आए तो मैं 100% लिख के देता हूँ, एक भी सीट नहीं आएगा उसका, एक भी सीट नहीं। और जितने भी उम्मीदवार रखेगा उसकी सब डिपोजिट, दिल्ली में भी केजरीवाल नहीं आएगा, भाजपा आएगा, इस बार भी नहीं आएगा, कोई भी आएगा। गुजरात में रात को 2 बजे लड़कियां अकेली घूम सकती है, आप देखो दिल्ली में अकेली घूम सकती है लड़कियां? कितनी डेवलपमेंट है मोदी का, ये डेवलपमेंट है। औरतें कितनी घूमती है? ना पुलिस है ना सिक्योरिटी है, फिर भी सब लोग अपनी प्रशासन की ओर से हेल्पिंग करके और प्रशासन की जो भी फैसिलिटीड है हम उस हिसाब से और हम एंजॉय भी कर रहे हैं और सेफ्टी भी महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खुश क्यों है बीजेपी से? एक्चुअली गवर्नमेंट के पास व्यू है कि डेवलप कैसे किया जाए। देखिए अभी कुछ भी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए कुछ भी पे तो करना पड़ेगा, आप चाहे अमेरिका चले जाओ कनाडा चले जाओ, गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है तो उसके सामने टैक्स भी पे करते हैं। तो हम अभी बीजेपी में ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे टैक्स का पैसा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है और हमें वो मिल रहा है। अभी जैसे आप मोरबी की बात की है तो वो एक दुर्घटना है, उसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, जो उन्होंने जल्दबाजी की है तो वो नोट लेना चाहिए कि प्रशासन की गलती है, तो प्रशासन ऐसा फिर से कहीं पे हादसा ना हो तो वो ले, वो ऐसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई मोदी के कारण उसको इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं है। प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए जो भी प्रशासन के लोग हैं उसको एक्शन लेना चाहिए।